काहे 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 लेके लेफ्ट में कर दो। हिरन की आवाज आ रही है इस तरफ से, देखो ये वार्निंग होती है टाइगर की। वार्निंग ही तो वही तो कह रहा हूं, आवाज आ रही है हिरन की। गाड़ी रोक लो। आवाज बड़ी जोर से आई यार, क्या बात। गाड़ी मार के क्या वो तो सर। जी भी आगे बहुत देर का इंतजार करवाया भैया, एक घंटा कहां थे आप? इधर जवाब जानती है जनता, जनता जवाब मांग रही है इधर से, कहां थे आप? जिसके छोटे भाई दो घंटे भी काट सकते हैं। सभी की उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल बेहतर होंगे। स्वागत करता हूँ आपका अपने नए व्लॉग में। और हमारे साथ भैया ने हमें कर दिया लेट, तो हो गए हम दो घंटा लेट। कितने बजे? 10 बजे आए हैं। जब आप सारे काम निपटा चुके होते हो और जो सोने का टाइम होता है उस टाइम नाइट सफारी करते हो, जो मी टाइम है उसे हम सोके भी निकाल सकते हैं, उसे नाइट सफारी करके भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। काशीपुर से निकल चुके हैं और अपना जो मेन एडवेंचर स्टार्ट होगा वो होगा भी हमारा काशीपुर के बाद जो रामनगर पड़ेगा अपना कॉर्बेट एरिया 30 किलोमीटर बाद वहाँ से, और दिखाएंगे फिर वहाँ पे सारी चीजें। आज आने वाला है बहुत ज्यादा मजा, क्योंकि जिस हिसाब से अपने पास पिछले 5 वीडियो पे जो अपने कमेंट आ रहे हैं कि जो आपको व्लॉग अपना जो डेली रूटीन का जो पसंद आ रहा है तो उसी को चालू रखते हुए मतलब स्टार्ट करते हुए उसी रूटीन को आगे बढ़ाते हुए फिर से निकल चुके हैं अपने उसी बाग फाइंडिंग की अपनी खोज पे। और चलते हैं जरा भी बदलेंगे अपने चाय का क्या करेंगे आज हम रेंज बदलेंगे अपने। रेंज बदलेंगे आज। अबरार भाई भी कह रहे हैं कि और भैया भी कह रहे हैं कि आज जरा थोड़ा सा एक डिफरेंट लोकेशन पे भी लेके जाएंगे। क्या हुआ अबरार भाई? लड़के एक औरत मार दी आज मरचूला के आसपास। मरचूला के आसपास? मरचूला के आसपास। अरे भाई साहब, फाइनल वाला पहुंच गए हैं अपनी कॉर्बेट की एंट्री की तरफ अभी हम। और जो मैंने आपको बताया था कि जो अभी मैनेटर बाघ ने अभी एक मतलब महिला को खाया है वो बात सच है, उसकी फोटो आई है। वो थोड़ा सा ब्लर करके दिखा पाऊंगा, अगर दिखा पाऊंगा तो ऐसे नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो अभी तो निकल चुके हैं हम उसी रास्ते की तरफ, और पहले हमारा जो पहला पड़ाव रहेगा वो वही अपना चाय वाली दुकान, चाय वाली टपरी। महिला की लाश मिल गई है वहाँ पे, और जो लाश रिकवर हो गई, लाश फोटो भी आ गया है वैसे, लाश रिकवर हो गई है। और सुन के बहुत बुरा लगा, लेकिन अभी पता करेंगे आगे कि मतलब क्या परिस्थिति थी या फिर क्या चीज थी जिस जहाँ पर वो उठाया गया। एग्जैक्ट लोकेशन का भी नहीं पता, बस इतना पता मारचूला के पास है। देखते हैं अभी वहाँ चल के जरा आगे लोकल से उनसे बात करते हैं, फिर उसके बाद पूरी स्टोरी बताते हैं। बाकी तो अभी हमारे साथ शानवाज भाई हैं आगे। रोहित ये और बता दो अपने सभी चैनल वालों को जी भैया कि कभी भी जी नाइट सवारी में उतरना नहीं है भैया। वो तो हम हर व्लॉग में बता रहे हैं ये काम नहीं करना है, जब प्रशासन ने साफ मना कर रखा तो ये काम करना ही नहीं है। तो बाबा चलो पहले जरा पहुंचते हैं अपनी पहली लोकेशन की तरफ, फिर दिखाते हैं जरा आगे लोकल से बात करके बताते हैं पूरी सिचुएशन क्या है। अभी हम अपनी फाइनल चाय वाली लोकेशन पर रुकते हैं जरा पहले चाय। बाबा वैसे तो जल रही यहाँ पे आग, लेकिन हाँ आवाज आई नहीं, ये हिरन की आवाज आ रही है इस तरफ से, देखो ये वार्निंग होती है टाइगर की। वार्निंग ही तो वही तो कह रहा हूँ, आवाज आ रही है हिरन की, तीन बार आवाज आ गई, तीन बार तो बहुत देर से बोल रहा है। तुमने सुनी आगे जाके क्या? तीन देख देखो फिर से आई आवाज, फिर से आई आवाज, ये साइन ही तो है। झुंड से हट गया या फिर नहीं? नहीं झुंड से हटने का तो मतलब ही नहीं बैठता अबरार भाई। रात देखा ये तो ये बोला, ये तो ये बोला हमारा, ये हमारा चितला बोला ये वाला। हेलो भैया आवाज आ रही है, देखो अभी भी आवाज आ रही है, आ रही है ना आवाज आ रही है हिरन की, हिरन की आवाज आ रही है। ये साइन है, साइन है पूरा, साइन है पूरा, बात का पूरा साइन है। वो एक्चुअली क्या होता है ना, अपने ग्रुप को अपने ग्रुप को ना अलर्ट करता है। अच्छा कि आसपास आग गिर रही है। अच्छा जितनी बार आग जल रही है अपनी और साथ में चाय आ गई है अपनी, और जरा जल्दी जल्दी पीते हैं फिर उसके बाद आगे की तरफ निकलेंगे, क्योंकि अभी जो चीज सुनने में आ रही है वो है ओरिजिनल। क्या कह रहे हो तुम? बात सही है, वो बाघ वाली ना हाँ उतना बाघ बाहर आएगा, उम्मीद है भैया फिर बाहर निकलने की आज मिल सकता है। वैसे भी चितलों ने वो तो दे दिया ना, हिरन की आवाजें इतनी आ रही हैं। एक्चुअली क्या है रोहित भाई, बाघ ना ज्यादातर शिकार करता रात के सन्नाटे में, और आज देख रहा हूँ ना डार्कनेस बिल्कुल, हाँ आज बहुत ज्यादा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो निकलते हैं जरा चाय पीते हैं। हाँ क्या कह रहा हूँ, रात में फिर भी कम निकलता, चांदनी रात होती ना तो फिर भी कम आता, ये जैसे आज काली रात हो रही है तो अंधेरे में ज्यादा आता। चलो निकलते हैं जरा जल्दी जल्दी, पहले पीते हैं जरा चाय, अपनी चाय आ गई, और उसके बाद निकलते हैं जरा आगे की तरफ जल्दी। अब अंधेरा पूरा हो रहा है और चलो निकलते हैं जरा आप सब जरा जल्दी जल्दी, भैया लग रहा है आज मिलेगा पक्की बात है। चलो नवाब भाई उम्मीद तो दुनिया को है रोहित भाई, नवाब भाई इसी चीज पे है बस हम भी। चलो जी कर दो, घुमा दो तो ये गया तो है ये वो है आगे
लेफ्ट में ये है ना, क्या है तुमने देखा नहीं क्या? फोर करो बिल्कुल घुमा, लाइट बंद करो यार, हमें नहीं जमा कर रहा था यार। चलो चलो कहाँ गया? अरे वो घुस गया इसमें को, अंदर घुस गया वो खंतियों में को। अब यही रहने दो, यही रहने दो, सामने राइट में है, राइट में, राइट में, हाँ राइट में जाओ, पक्का है का? हाँ हाँ राइट में चलो, बस यही रोक लो। अरे पीछे बैक करो, इधर लेफ्ट में, इधर बोरा भैया, बोरा सामने है, सामने है, सामने है, इधर हो गया सामने है। अरे वो लेफ्ट साइड में चला गया, छुप गया पेड़ के नीचे बैठा। अरे वो लेफ्ट साइड में, तो मैंने देखा, मैंने खुद देखा भाई। अरे लेफ्ट तो करो, शोर मत मचाओ। और ये रहा है यार वहाँ पे था उस जगह पे, देख वो इधर भैया कह रहे इधर गया, नीचे बैठा है वो, गया वो, जा रहा है बोरा 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 बोरा, लाइट का तो देखो वो जा रहा है। हां दिख गया, वाओ कितना प्यारा यार वो, बोरा बोरा बोरा, छोटा सा है, छोटा सा है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बोरा बोरा। नहीं अरे तेंदुआ है, तेंदुआ ऊपर जो गया भाई यार। चलो चलो जी, आगे करो, आगे आगे करो यार भाई, वो जा रहा है, चला गया यार वो, नहीं जा रहा है यार रोड पे साफ। अरे अभी थोड़ा और आगे ले लो या बिना लाइट के कुछ भी नहीं दिखाई देगा इसमें। और करो, और करो इधर, और घुमाओ, और घुमाओ, चलो 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 सीधा लो, सीधा एकदम सीधा करो, इसकी लाइट क्यों नहीं उठ रही, सीधा करो सीधा, लाइट है बहुत, उठा राइट में है, राइट अब उठेगी, अब उठेगी, अरे वो राइट में है। बहुत बड़ी गलती हो गई यार, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, आज निकल गया हाथ से। इसके भी बड़े कैमरे में थोड़ा बहुत शूट हुआ, हल्का सा शूट हो गया है, तो गया ये, अब तो गया वो। चलो चलो यार, चलना बिल्कुल, इतना बढ़िया मौका था बिल्कुल साफ देखने का यार इसे, कोई बात ना, फिर मिल जाएगा। चलो कोई नहीं, काशिम भाई तुमने तो देखा था ये पूरा का पूरा, लग रहा है मुझे लगा हुआ यार, क्या पता ना गया हो उधर, वो ऊपर चढ़ गया था, नदी की तरफ से आया यार, आराम से चला, अरे पहले आराम से देख लो, 4x4 तो नहीं लगा हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है यार। नहीं है रोहित भाई, पता क्या होता है इसको, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ दिखा क्या? अरे ना यहाँ पे ऐसी धोखा लगा, झाड़ी है। नहीं यार कुछ और दिखा मुझे ना, क्या क्या लगा? कुछ तो था यार वहाँ बिल्कुल सामने, सामने हाँ, देखते रहो जरा पहाड़ पर ना, जो ग्राज कुछ ना कुछ दिखेगा लग रहा है, पूरा चीतले नहीं दिखाई दे रहा है, शिकारी नहीं दिखाई दे रहा, जो गाड़ियां खड़ी थी यहाँ पे और बच गया था वो, यहीं पे खड़ी थी वो गाड़ियां इस लाइन में, ये यही वाला लेपर्ड है, यहीं पे थी वो गाड़ी, यहाँ जो खड़ी अपना वो नहीं बोलता ना, अपना एरिया एक ही है ये वाला घूमने वाला ना, तो फिर और छोटा लगता वो। दिन भर में कम से कम 100 जानवर पार होते होंगे रोड, हाँ ये तो है, लेकिन वो ये जिसके टाइम पे आ गया, हाँ नसीब नसीब की बात है, सारा का सारा हमारे सामने को निकला, हमें दिख गया, क्यों हमें उस दिन बाघ दिखा, लोग इतने साल निकाल देते हैं तो वो पीछे से निकलता गाड़ी के, दिखता ही नहीं, कितनी बार मिल गया, कुछ जानवर आगे से सामने से निकल जाते हैं, कुछ तो कई बार मिल जाती है, तो तब यार एक बात है ना, किस्मत वाली बात भी है, एक दो सेकंड का गेम होता है इनका, ये तो बात है, तुमने लोकेशन ट्रेस कर ली एक दो सेकंड में तो पता चल गया यहाँ है जानवर, अरे वहाँ पे मिलता ही है खाना वाला भाई, जहाँ पे हमने ये टनवा मिला वहाँ पे मिलता ही है, और यही वाला था उस दिन जो जो गाड़ी खड़ी थी तो देख ही ना पाए हम, थोड़ी सी झलक दिखी और दुबक गया, जो हम उस दिन देख रहे थे हाँ यही आए थे, तो ये वाला जानवर था वो हकीकत, मैं उसमें से निकल गया था बाहर को सनरूफ में से, और इसकी एक्टिविटी भी इसी टाइम की थी, टाइगर तो हमने वो एक्टिविटी भी यही टाइम था, हाँ उसकी जो एक्टिविटी का टाइम था ना यही टाइम था, कोशिश है मैं तुम्हें भाग दिखाऊं आज मेरी, बस भैया दिख जाए तो और मजा आ जाएगा, कोशिश है मेरी पूरी कि मैं तुम्हें भाग दिखाऊं,
तुम्हारे तकिए लगे पड़े थे, इन्होंने दिमाग खराब कर दिया एकदम से निकाल के फेंके मैंने। अरे राइट और लेफ्ट जाना दिख पा रही था यार। राइट और लेफ्ट ऐसा इसलिए है क्योंकि परसों आए थे कल बाघ ने जो परसों औरत को फाड़ दिया ना इस वजह से। कल आए थे, कल वहाँ पे आए थे ना, औरत को लूटा लिया था इस वजह से। वहाँ पे पूरा प्रशासन यही था, पूरा प्रशासन यही था क्योंकि कैच लगा हर हर 10-15 मतलब हर हर 200 मीटर पर गाड़ी थी प्रशासन की और किसी को रुकने नहीं दे रहे थे। कई गाड़ियां खड़ी थी उनकी। देखिए ये जो होता है ना, मैं आप जरा बेचारे की यार गाड़ी लग गई है पीछे उसकी पता नहीं घुमा लेना बात की कोई फायदा नहीं उस चीज का। गाड़ी वापस मुड़ के चलते, गाड़ी हट गई ना, आवाज आई है भाई बहुत तेज आपको। भाई सबसे बड़ी दिक्कत है हाथियों वाला इलाका है पूरा का पूरा। फंसा हुआ है अभी, फंसा हुआ है वो पूरा का पूरा। गिर गई गाड़ी यार, गाड़ी लग गई है उसकी, उसकी मदद करनी पड़ेगी। अरे चलो चलो तो सही, पहले हम करेंगे, चलो तो सही उसके पास तो चलो। जरा एक बार देख लेते हैं भाई से क्या दिक्कत है ना। मेरे ख्याल से वो आया ना तो इसे मार के चला गया शायद। इससे भाई से पूछो जरा, गाड़ी रोक के रोक लो एक मिनट जरा। ना डाला तोड़ गया, लग गया बिल्कुल पूरा। रोक लो एक मिनट, रोक लो गाड़ी, रोक लो। आवाज बड़ी जोर से आई यार, क्या बात, गाड़ी मार के गया वो तो। सर रुकवा दो आगे, चलो एक दिन चलो हमारे साथ, हम रुकवा दे। अगर कोई देखो नुकसान क्या है, काशीपुर में कहाँ से हो भैया, क्या हुआ, ज्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी, यही निकला यही क्या बस, यही काम है। चलो आवाज बहुत तेज आई थी ना पीछे से, आवाज बहुत तेज। भैया गाड़ी में बैठ जाओ भैया, यहाँ खड़े मत हो बिल्कुल भी। बाघ देखा गया यहाँ पे, यहाँ बाघ है हमारे रोज के, यहाँ पे गाड़ी से बिल्कुल मत उतरो भैया। अगर ज्यादा बड़ा नुकसान होता तो फिर रोकते होता हम भी काशीपुर। आप ना आप ऐसा ना, तुम बैठ जाओ गाड़ी से, बैठ जाओ गाड़ी से, कोई मजाक मत करो भैया बिल्कुल भी। चलो चलो चलो, इतना बड़ा अभी ऊपर एक बोलत मारी है टाइगर ने, ये तो सही है, इतना साइड लगी है, साइड लगी है। इन्हें पता नहीं था ये, शायद मेरे ख्याल से पहली दूसरी बार ही आ रहे हैं यहाँ पे। अरे ऐसो को तो शिकार बना रहा है बाघ। हाँ इन्हें पता नहीं है भैया, 10 कदम की दूरी पे मैं दिखा था यहाँ से बाघ, याद है? 10 कदम उधर ही चलना है, 10 कदम इनको कोई बताता नहीं तो एक घंटा है। अबे यार ऊपर कस्टम से शाहनवाज भाई, इस वाले पेड़ के सामने बहुत प्यारा जानवर है यार, ये देखना। ओफो, ये हीरा ना, क्या है भैया ये वही है काला हीरा? नहीं यार ये कुछ काला जिसे बोलते हैं, कान का पीछे है। इसके कान पीछे सींग आ गए हैं। ये कितना काला है, ये कुछ और ही है, कुछ और है भैया। हाँ ये मिलता है, मैं कई बार मिल गया, ये यहाँ पर कई सारे मिलते हैं। चलो ये यहाँ पर ही है इनका एरिया, ये वाला ना, यहाँ पे मुझे एक बार और 5-6 मिले थे। कर दिया जूम पूरा, जंगली वाइल्ड हॉग, जंगली सुअर। ओ हो तो बहुत सारे, पूरा का पूरा ग्रुप आ गए। तो हाँ, ये क्या हो क्या रहा आज, हमें क्या क्या देखने को मिलेगा भाई? सारी प्रजातियाँ मिल गई तुम्हें आज, हम सारी चीजें देख के जाएंगे, ऐसे जाएंगे। रिसोर्ट में हॉलीडे मना के आ रहे हैं क्या? हाँ लगता है इन द मिडिल ऑफ नोवेयर डनेस्ट से होके आ रहे हैं। देखो नेक्स्ट वालो, तुमने सुअर पाल रखे हैं? हीरा ने वो देखो सामने ही है, हीरा ने शायद दिख गया, वो हीरा ने वो देख लिया मैंने यार आज सही में। लेकिन आज ऐसा लग रहा है अबरार भाई कि पूरा आज है दिन देखने का, कि आज दिख सकता है 100% कुछ ना कुछ दिख सकता है आज अपने को, और आज पूरे मूड में है क्योंकि वैसे जो जानवर होते हैं ना चुगने वाले वो भी दिखा रहे कम दिखा, आज हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बाघ का ये किस पागल ने फाड़ दिया यहाँ पे, बाघ वाला जो वो लगी थी होल्डिंग, बताओ यार होल्डिंग फाड़ दी बाघ वाली। शिकारी एनिमल थे ना जी, बाघ लेपर्ड जी, ये अपने आप को छुपाने में ना बहुत माहिर होते हैं। जैसे आपको 1 फीट की ऊंचाई की भी घास मिल जाएगी, झाड़ झंकाड़ मिल जाएगी तो आपके सामने भी होंगे ना तो आपको नजर नहीं आएंगे। ये तो है, ये तो बहुत रेयर व्यूज होते हैं जब आप इनको देख पाते हो, और वो रेयर व्यू हमने कैप्चर करा। हाँ वो आपने कैप्चर किया, और ये आपकी और हमारी मेहनत है जो हम इतने व्यूअर्स को हम दिखा पा रहे हैं सारी चीजें, क्योंकि इसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए और अथक परिश्रम के बाद ये चीजें देखने को मिलेंगी आपको। सही बात है भैया, आप आसानी से लोगों को दिखा पा रहे हो। 2 महीने हमारी भी, 2 महीने सबकी मेहनत है हमारी, पूरे 5 जनों की हमारी पूरी टीम की, जिसमें अबरार भाई भी है, हमारे कासिम भाई भी है, नवाब भाई भी, और हम तो है ही है साथ में, लेकिन सबकी पूरी मेहनत है। 2 महीने भाई कहना आसान लगता है, लेकिन हम लोगों का वादा है व्यूअर्स से जी कि हम आपको निराश नहीं होने देंगे। दुख दुख से होने लगती है कि क्या क्या गया
पक्के हो चुके हैं, हम भी उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं कि यहाँ पर कहाँ होगा, इस लोकेशन में क्या होगा, इस लोकेशन में क्या होगा। सही बात है भैया, इतना अंदाजा हो गया। हाँ, इतना अंदाजा हो गया कि कहाँ इनका कॉरिडोर है और कहाँ से निकलेंगे। कुछ कुछ चीजें कैप्चर नहीं हो, आगे भी आगे देखना हिरन है शायद, हिरन हिरनों का पूरा झुंड है, पूरा झुंड है हिरन का, पूरा झुंड आ गया राइट में एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड में, पूरा हिरनों का झुंड आ गया भाई। और भैया हमें मैक्सिमम टाइम यहाँ पे मिलते हैं। हाँ, यहाँ एक्चुअली क्या है ना, मैक्सिमम टाइम मिलते हैं। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ही इसलिए रहते हैं कि यहाँ पर टाइगर का थोड़ा कम है। अच्छा, यहाँ पे सारे भाई पूरा झुंडा है तो देख रहे हो। कभी कभी रोहित ऐसा नहीं लगता कि इन्हें प्यार करें कि किसी करके इन्हें छोड़ दें। ये तो है भैया, ये इतने मासूम लगते हैं कि इनके किसी करें और इन्हें छोड़ दें। नवाब की तरह हमारे, लेकिन नवाब की तरह। लेकिन रोहित पता है तुम्हें, नवाब मुझसे कहता है कि भैया एक बात बताओ, ये खाते किस टाइम है जब गर्दन उठा के ऊपर देखते ही रहते हैं। एरिया है ना पानी वाला जी भैया, और ये पत्थर वाला, इसमें ना बाघ बड़ी आसानी से छुप जाता है शिकार करके। वहीं बैठेगा, वहीं अपने आप को वाइप करेगा, साफ करेगा शिकार को खाने के बाद। और सही में, सही में अबे इधर को रास्ता है क्या? बन गया, बन गया। हम उस हिसाब से निकाल, और लेपर्ड अगर अपने फुल साइज में आप देख लोगे ना तो 5 फीट लेंथ उसकी। भाई साहब चलो देखते हैं आज जरा कहां तक क्या देखने को मिलता है। अभी तो अबरार भाई का कहना यही है हमारा, क्या ये दिखा के मानेंगे कुछ ना कुछ। अभी जरा फ्लैश ऑफ करता हूं क्योंकि अभी मेन एरिया आ चुका है। नीचे उतरेंगे नहीं, गाड़ी कहीं रोकेंगे नहीं, वो तो करना ही नहीं है भाई। दिखा देंगे भाई, देखो ये बात हम आपको अपने हर ब्लॉग में बता चुके हैं कि देखो जब यहाँ पे हम आ रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशन के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल, कोई गाड़ी से नहीं उतरेगा, कोई जानवरों को परेशानी नहीं करेगा। देखो अपनी अपनी गाड़ी जो है, अपनी जान जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए जो लाइफ है उसको सेफ एंड सिक्योर तभी कर सकते हो आप जब आप अपनी गाड़ी के अंदर रहो और वो बाहर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में एक और चीज कि गाड़ी बेवजह सड़क से नीचे नहीं उतारनी है, नहीं ओवर स्पीड रखनी है। आप स्पीड तो हमारी देख रहे हैं, मुश्किल से अभी भी 20 की स्पीड चल रही है, अभी भी 19 की स्पीड चल रही है अभी भी। इसे क्या कहते हैं भैया? इसे पाड़ा बोलते हैं पाड़ा बोलते हैं जी। पाड़ा भाई साहब, ओके, बहुत बढ़िया, मजा आ गया।